नमस्कार। तकनीकी कार्यों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल लाइनमैन में आज जानते हैं लाइन या फेस टेस्टर के बारे में और समझते हैं सभी इलेक्ट्रीशियन द्वारा इस्तेमाल होने वाला फेस टेस्टर LT डिस्ट्रीब्यूशन में 100 से 500 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेजेज में लाइन और फेज वायर की कैसे पहचान कर लेता है और इसकी मदद से हम फॉल्ट फाइंडिंग और रिपेयर कैसे कर लेते हैं, साथ ही हम इसकी मदद से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में पेचों को कस या खोल भी सकते हैं, समझते हैं लाइन और फेज टेस्टर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। शुरू करते हैं। विद्युत कार्यों में मरम्मत और रखरखाव के दौरान अनेक प्रकार के विद्युत उपकरणों में आपूर्ति के तारों के संयोजनों में, चाहे वो हमारी वायरिंग में सॉकेट आउटलेट के प्लग पॉइंट्स हों या केबल या वायर के किनारे हों या कोई दूसरे उपकरण हो, वहां आपूर्ति की जो लाइन की वोल्टेज है वो उपस्थित है या नहीं, इसकी जांच के लिए हम इस तरह के लाइन टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। लाइन टेस्टर को हम फेज टेस्टर या इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल नियॉन टेस्टर भी कहते हैं। इस तरह का लाइन टेस्टर सभी इलेक्ट्रीशियंस इस्तेमाल करते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए इसके बगैर विद्युत रखरखाव, मरम्मत और जांच के कार्य करना बेहद मुश्किल है। ये बहुत ज्यादा सरल संरचना रखता है और इकोनॉमिक है। एक इस प्रकार का लाइन टेस्टर क्रू ड्राइवर अच्छी गुणवत्ता के साथ लगभग 50 रुपए की लागत में उपलब्ध हो सकता है। हम इस तरह के लाइन टेस्टर का इस्तेमाल LT डिस्ट्रीब्यूशन के सर्किट्स में रखरखाव, मरम्मत, दोषों को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो कुचालक आवरण है वो हमें खराब इंसुलेशन या नम स्थितियों में भी बिजली के खतरों से बचा के रखता है। लाइन टेस्टर के अगले सिरे पर जो धात्विक स्क्रू ड्राइवर रोड लगी हुई होती है उसका काफी अंश एक PVC कुचालन आवरण से रक्षित होता है, लेकिन इसके सिरे को हमने एक स्क्रू ड्राइवर जैसा शक्ल दी हुई होती है। ये जो स्क्रू ड्राइवर सिरा है वो एक जांच के सिरे टेस्ट प्रोब की जैसी व्यवहार करता है। जब हम इसका संपर्क जिसकी हमें जांच करनी है उससे करते हैं, जैसे इस सॉकेट आउटलेट में जो ये प्लग होल बना हुआ है इसमें अंदर जो वायर का कॉन्टेक्ट है उसे जांच करने के लिए हमने ये स्क्रू ड्राइवर टिप या प्लग के अंदर इंसर्ट करके उसके संपर्क में ले ली है। एक फेज टेस्टर के नियॉन बल्ब के ग्लो के लिए जरूरी है कि जांच करने वाला व्यक्ति इसके मेटल कैप को अपने शरीर के किसी एक भाग से संपर्क में रखे। वो व्यक्ति स्वयं भी धरातल के संपर्क में होना चाहिए, क्योंकि अंदर जो हमारा फेज का जांच वाला सिरा हो सकता है व्यक्ति का दूसरा सिरा जो धरातल से जुड़ा हुआ है, और हमारी वायरिंग में जो धरातल है वो विद्युत आपूर्ति के न्यूट्रल से जब जुड़ा हुआ है तो आपूर्ति का फेज और न्यूट्रल के बीच में ये पूरा फेज टेस्टर का जो परिपथ है वो एक बंद परिपथ रूप धारण करके जो धारा प्रवाह करता है उसी धारा प्रवाह से ये यहाँ जो नियॉन बल्ब है उसमें रोशनी आती है और हमें सॉकेट में लाइव वायर है या नहीं उसकी जांच हो जाती है। एक लाइन टेस्टर स्क्रू ड्राइवर में मेटलिक स्क्रू ड्राइवर की ये जो स्क्रू ड्राइवर टेस्ट प्रोब है वो फेज वायर की स्थितियों के संपर्क में है और मेटल कैप पर मानव शरीर के मार्फत एक भू संपर्क जब बना हुआ है तो फेज टेस्टर के इस परिपथ में जो सुग्राही नियॉन बल्ब है वो मानव शरीर में जो सुरक्षित कम मात्रा की धारा बह रही है उस धारा पर भी यहाँ एक दृश्य प्रकाश का चमक उत्पन्न करके टेस्ट प्रोब फेज या लाइन तार के साथ जुड़ी हुई है ऐसा बता सकता है। जो परिपथ में 2 मेगा ओम के आसपास के मान का जो उच्च बचाव प्रतिरोध हमने लगाया हुआ है नियॉन बल्ब के एक सिरे और मेटल रोड के बीच में, ये परिपथ में बहने वाली धारा को 1 मिली एम्पियर या उससे भी कम मान की सीमित कर देता है और अल्प मान पे भी नियॉन बल्ब ग्लो दे देगा और उतनी धारा अगर शरीर में भी प्रवाहित होगी तो हमें या जांचकर्ता को कोई बेचैनी महसूस नहीं होगी। जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन टेस्टर या फेज टेस्टर क्या क्या कार्य कर सकता है। ये जो हमारे घरेलू आपूर्ति के परिपथ हैं 100 से 500 वोल्ट के बीच की आपूर्ति विभव के, वहां लाइव फेज या लाइन तार की पहचान कर सकता है। ये विद्युत उपकरणों में जो छोटे स्क्रू हैं उन्हें खोल या कस सकता है। हम इसकी मदद से तारों के बीच में या सॉकेट आउटलेट में फेज की उपस्थिति की जांच कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल लाइन टेस्टर की भी कुछ जांच प्रयोग
उद्योगों में सीमाएं हैं। हम इस तरह के व्यावसायिक लाइन टेस्टर का इस्तेमाल केवल 100 वोल्ट से 500 वोल्ट के बीच के विभव आपूर्तियों में कर सकते हैं। 100 वोल्ट से कम विभव पे मापन करते हुए नियोन लैंप में जो धारा का मान इतना अल्प होगा कि हमें प्रकाश की दीप्ति स्पष्ट नहीं दिखेगी, और 500 वोल्ट से अधिक विभव के स्थितियों पर अगर हम लाइन टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में जाने वाला जो धारा का मान है वो विद्युत आघात का कारण बन सकता है। नम स्थितियों में लाइन टेस्टर का इंसुलेशन अगर खराब हो जाता है तो वो शरीर में जाने वाली धारा का मान बढ़ा सकता है। तो हमें नमी रहित स्थितियों में ही लाइन टेस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइन टेस्टर का प्रयोग करते समय अगर नजदीक अधिक रोशनी की स्थितियां हैं तो हमें नियोन बल्ब की दीप्ति स्पष्ट आभास नहीं होगी, इसलिए जरूरी है कि लाइन टेस्टर से जांच करते समय नजदीक में प्रकाश की मात्राएं कम होनी चाहिए। कई बार नियोन बल्ब में खराबी आने या श्रेणी में लगे हुए उच्च प्रतिरोध में नुकसान होने पर यह हमें गलत जानकारियां दे सकता है और लाइन टेस्टर भी खतरनाक विद्युत आघात का कारक बन सकता है। लाइन टेस्टर की संरचना को समझते हैं। एक लाइन स्क्रू ड्राइवर टेस्टर की एक कुचालक और पारभासी प्लास्टिक की खोखली आवरण है जिसके अंदर लाइन टेस्टर के परिपथ के भाग रखे हुए होते हैं। इस प्लास्टिक की कुचालक गुणों के कारण इसे इस्तेमाल करते समय हमें विद्युत आघातों से बचाव मिलता है और इसकी पारभासी गुणों के कारण नियोन लैंप का जो दीप्ति है वो हमें जांच के लिए प्राप्त हो जाती है और हम लैंप में दीप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, उससे टिप फेज तार के साथ जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है ये जांच हो जाती है। लाइन टेस्टर में ये जो मेटल रोड या मेटलिक स्क्रू ड्राइवर है वो एक चालक भाग है। इसका एक सिरा श्रेणी में जो सर्किट में उच्च प्रतिरोध हम प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और जो दूसरा सिरा है जिसको हमने एक स्क्रू ड्राइवर शीर्ष रूप दिया हुआ है वो स्वतंत्र पूर्वक किसी भी धारावाही विद्युत परिपथ के हिस्सों से संपर्क में किया जा सकता है। हम इस तरह के मेटलिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से विद्युत उपकरणों के जो पीच है उन्हें खोलने या कसने का काम भी कर सकते हैं। एक मोटी प्लास्टिक पीवीसी की जो आवरण है सीथ है वो इस मेटल रोड के काफी बड़े हिस्से को आवरण कर देती है ताकि हम लाइन टेस्टर का इस्तेमाल करते समय गलती से इस मेटल रोड के हिस्से को संपर्क करके विद्युत आघात अनुभव ना करें। लाइन टेस्टर स्क्रू ड्राइवर के सबसे ऊपरी सिरे पर एक चूड़ीदार धात्विक टोपी लगी हुई होती है जिसके साथ लाइन टेस्टर के परिपथ में स्प्रिंग नियोन लैंप उच्च मान का प्रतिरोध मेटलिक स्क्रू ड्राइवर के साथ जुड़े रहते हैं। जांच के दौरान जब स्क्रू ड्राइवर जांच की सिरा टेस्ट प्रोब विद्युत परिपथ के साथ जोड़ा जाता है तो इस धात्विक टोपी के साथ जांच करने वाले व्यक्ति का शरीर जुड़कर एक भू संपर्क बनाया जाता है। जांच के दौरान परिपथ में बहने वाली धारा जब नियोन लैंप में दीप्ति उत्पन्न करती है उस समय वही धारा मानव शरीर में कोई विद्युत आघात या नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए जरूरी है कि धारा को सीमित रखा जाए। अक्सर सूखी स्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध अच्छा मान का होता है और साथ में इस परिपथ में हमने 2 मेगाओम के लगभग मान का एक उच्च प्रतिरोध भी लगाया हुआ है ताकि किसी भी स्थितियों में इस परिपथ में जांच के दौरान धारा का मान 1 मिली एम्पियर या इससे भी कम रहे और ये हमारा सुग्राई नियोन लैंप उतनी कम धारा पे भी दीप्ति देकर जांच में अगर लाइन या फेज वायर आया है तो उसकी पुष्टि कर देगा और उच्च प्रतिरोध के कारण परिपथ में धारा सीमित होने पर मानवीय शरीरों को जांच के दौरान किसी भी प्रकार का विद्युत आघात अनुभव नहीं होगा। धात्विक टोपी के बाद स्क्रू ड्राइवर के अंदर एक स्प्रिंग का संयोजन है जो नियोन लैंप और उच्च मान के प्रतिरोध का संपर्क धात्विक स्क्रू ड्राइवर रोड से करता है। यहाँ स्प्रिंग का उपयोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से चूड़ियों को कसने या खोलने के दौरान जो यांत्रिक आघात आते हैं उन्हें अवशोषित करने के लिए किया जाता है और स्प्रिंग की मदद से नियोन बल्ब का जो आवरण है वो यांत्रिक आघातों से सुरक्षित रहता है और इस्तेमाल के दौरान ये जो स्प्रिंग है वो घूर्णन के दौरान भी नियोन लैंप का विद्युत संपर्क बरकरार रखती है। एक टेस्टर में हम एक साइड में क्लैंप का भी इस्तेमाल करते हैं जो पॉकेट्स या दूसरे सपोर्ट्स के साथ लाइन टेस्टर को सुरक्षित पकड़ने में उपयोग आता है। नियोन लैंप लाइन टेस्टर का मुख्य भाग है जो मेटल रोड के बाद में लगे हुए उच्च मान के प्रतिरोध के एक सिरे और स्प्रिंग कनेक्टर के
बीच में लगा होता है। एक नियोन लैंप में दो इलेक्ट्रोड हैं, जो एक कांच के आवरण में 80% नियोन गैस और 20% अन्य प्रकार की गैसों के साथ रखा हुआ है, और यहाँ अल्प विभवांतर पे भी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत विसर्जन से नियोन में दीप्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब स्क्रू ड्राइवर टेस्ट प्रोब को लाइन वायर या फेज वायर से संपर्क किया जाता है और मेटल कैप मानव शरीर द्वारा भूसंपर्कित होती है, तो जो सीमित अल्प मात्रा की धारा परिपथ में बहती है, उस अल्प धारा से भी यहाँ पहचान योग्य दीप्ति उत्पन्न हो जाती है, और धारा के सीमित मान के कारण मानव शरीर किसी भी प्रकार के विद्युत आघात की अनुभूति नहीं करता। फेज टेस्टर या लाइन टेस्टर स्क्रू ड्राइवर की कार्य प्रणाली को समझते हैं। जब हम इसकी धात्विक टोपी नुमा सिरे को शरीर के एक भाग के संपर्क के साथ, जो हमारी परीक्षण की स्क्रू ड्राइवर टिप है, उसे फेज या लाइन वायर के साथ जोड़ते हैं, तो फेज और अर्थ के बीच में इस बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, और उस अल्प सुरक्षित धारा प्रवाह से मानव शरीर को तो कोई आघात नहीं होगा, लेकिन सुग्राही जो नियोन का बल्ब है हमारा, वो रोशनी से फेज या लाइन तार की उपस्थिति को प्रकट कर देगा, और परिपथ में बहने वाली धारा को सुरक्षित सीमित रखने में इस श्रेणी प्रतिरोध का अहम योगदान रहता है। लाइन टेस्टर के परिपथ में परीक्षण धारा के मान को सीमित रखने में इस श्रेणी उच्च मान के प्रतिरोध का, जिसे हमने यहाँ एक विशाल रूप में प्रदर्शित किया है, उसका अहम भूमिका है। ये प्रतिरोध लगभग 2 मेगाओम मान का है, और जब हम 230 वोल्ट की आपूर्ति विभव के साथ इस तरह के परिपथों की जांच करते हैं, तो इस प्रतिरोध की मदद से इस परिपथ की धारा 1 मिली एम्पियर से भी कम रह जाती है। वो सूक्ष्म धारा नियोन बल्ब के साथ साथ मानव शरीर से भी प्रवाहित होती है। 1 मिली एम्पियर से कम मान की धारा को हम लेट गो करंट कहते हैं, और ऐसे धारा प्रवाह से मानव शरीर को किसी भी प्रकार की अलग विशेष अनुभूति नहीं होती। ऐसी धारा को मानव शरीर सहन कर सकता है, और इतनी अल्प धारा सुग्राही नियोन लैंप में रोशनी करने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसी स्थिति में जब नियोन लैंप रोशनी दे रहा है, तो ये निश्चित है कि हमारी जो टेस्ट प्रोब है वो एक फेज या लाइन के सिरे से जुड़ रही है, तभी फेज और न्यूट्रल के बीच में, ये अर्थ का संपर्क विद्युत परिपथों में न्यूट्रल से है, उसके बीच में इस परिपथ में धारा प्रवाह से नियोन लैंप में ग्लो आई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेस्टर का ये जो सिरा है वो एक फेज तार या लाइन तार या हॉट लाइव वायर से जुड़ रहा है। यदि उसी तरह की जांच में टेस्ट प्रोब का सिरा जब विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, और स्क्रू ड्राइवर लाइन टेस्टर का परिपथ सही स्थितियों पे है, और नियोन बल्ब में किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो टेस्ट प्रोब है वो वायरिंग के न्यूट्रल तार से जुड़ रही है, या उस जगह पे आपूर्ति का जो फेज या लाइन तार है उसका संपर्क नहीं है, रास्ते में कहीं लाइन या फेज का तार टूट गया होगा, ऐसी आभास हमें इस जांच से प्राप्त हो सकता है। तो अगर ये लैंप ग्लो कर रहा है तो टेस्ट प्रोब लाइन या फेज तार से जुड़ी हुई है, और अगर लैंप ग्लो नहीं कर रहा है तो या तो ये न्यूट्रल तार है या फिर लाइन की जो आपूर्ति है वो बीच में टूट गई है। एक समझदार इलेक्ट्रीशियन को विद्युत प्रणालियों पर काम करते समय सभी तरह के बचाव उपायों की पालना करनी चाहिए। फेज टेस्टर का इस्तेमाल करते समय भी उन विद्युत प्रणालियों पर काम नहीं करना चाहिए जिसकी उसे पूरी समझ नहीं है, क्योंकि काम करते समय पूरी सावधानी और समझ आवश्यक है। अगर आपके पास काम करने का कौशल नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थितियों पे आपको विद्युत प्रणालियों पे काम नहीं करना चाहिए। अगर लाइन टेस्टर ने ग्लो नहीं दी है और हमें ऐसा आभास हो रहा है कि वहां फेज या हॉट सप्लाई एब्सेंस है, ऐसी स्थिति में भी उस खुले नंगे तार को हाथों से छूना नहीं चाहिए। एक लाइन टेस्टर को 100 वोल्ट से 500 वोल्ट के बीच में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कम विभव की स्थितियों में जांच के परीक्षण नहीं आएंगे, और 500 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट के सर्किट में अगर हम लाइन टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो मानव शरीर को विद्युत आघात से नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में लाइन टेस्टर को हाई वोल्टेज के सर्किट्स में इस्तेमाल नहीं करना है। लाइन टेस्टर का इस्तेमाल करते समय इसे एक सामान्य स्क्रू ड्राइवर की भांति बाह्य आघातों से दाब के स्थानांतरण हेतु इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
चाहिए, हमें इसके धात्विक सिरे पे बाहर से किसी दूसरे औजार से ठोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में हमारा अंदर का नियोन बल्ब है वो या कोई दूसरे परिपथ हिस्से हैं वो खराब हो सकते हैं और हमें गलत जांच या नुकसान हो सकता है। ध्यान रहे एलटी डिस्ट्रीब्यूशन की 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत शक्तिशाली दुश्मन का काम कर सकती है। ये विद्युत इस्तेमाल करने वाले या परिपथ पे काम करने वाले व्यक्ति को विद्युत आघात से जानलेवा संकट भी पैदा कर सकती है, इसलिए कहीं भी विद्युत परिपथों में काम करने से पहले जो चेतावनियां और निर्देश हैं उनका सही प्रकार से अध्ययन और समझ बना लेनी चाहिए, तत्पश्चात ही ऐसे विद्युत परिपथों पे काम करना चाहिए। ध्यान रहे हम खतरनाक मेन वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, इसलिए सभी तरह के कार्य करते समय पर्याप्त सावधानी और सूझबूझ अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद है इस वीडियो की मदद से एक परम आवश्यक सरल और सस्ते जांच औजार लाइन या फेस टेस्टर स्क्रू ड्राइवर की संरचना और कार्य प्रणाली आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और अब आप इसकी मदद से ज्यादा बेहतर तरीके से और सुरक्षित विद्युत रखरखाव, दोष निवारण और मरम्मत के कार्य कर सकेंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में लाभकारी मदद दें, इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारी इस वीडियो को देखने और सराहना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।